इस कहानी काफ़ी सालों से मैं लिखता आ रहा हूँ। ये एक रियल स्टोरी है, ये जो ये आज जहानाबाद, हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद के नाम से है, इसमें 100 साल की कहानी है। एक बहुत ज़्यादा इसमें पॉपुलर लव स्टोरी है, फ्रीडम फाइटर की मतलब पूरी कहानी है, और जो भी 100 साल में जो भी घटना, बड़ी बड़ी घटना इस फिल्म में हुई है, जैसे कि जेल ब्रेक, उसके बाद वहाँ पे मवादी का बहुत ज़्यादा मतलब पूरे मारकाट होता है वहाँ पे, हर गांव के गांव जैसे नरसंहार के टाइप पे पूरा वहाँ हुआ है 2002, फिर 99 में, 2002 में, 2003 में, इस तरह की बहुत वहाँ पे हुई है। तो वो जो 100 साल में जो भी घटना हुई है, बड़ी बड़ी घटना इस फिल्म के अंदर है। हो जैसे हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद शॉर्ट नेम हुआ वो। ये इसलिए कि मैं जहानाबाद का हूँ, मेरे जन्मभूमि है वहाँ पे, तो वहाँ से मैं चाह रहा था कि इस जगह में इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी है छुपे हुए, इसको निकालो आप। क्या इससे पहले आपने? हाँ हाँ, इसके पहले इद्दत नाम की एक स्टोरी लिखा था मैंने, उसके बाद लोकसभा। नहीं नहीं, वो अभी चली नहीं, मैंने इसको पहले लॉन्च किया पहले। हाँ, तो इसकी शूटिंग कहाँ होने वाली है? इसकी शूटिंग तो देखिए, ये तो सबसे पहले इसको जहानाबाद में शूट होगा, जो बिहार के जगह पे है जहानाबाद, उसके बाद कुछ गुड़गांव, कुछ दिल्ली, कुछ मुंबई है। क्या देखिए, स्टार कास्ट में सबसे जैसे कि जो मेन है, जो एक्टर हैं, वो सुफियान कपाड़िया जी हैं, ठीक है, और जो एक्ट्रेस है इसको हीरोइन है जो, वो रूपाली है, और इसके बाद और भी इसमें हैं, जैसे कि जिनका नाम थोड़ा सा, एक मिनट, उसका क्या नाम है जो फादर के रोल जो करेंगे, हाँ रमेश जी हैं, और उसके बाद राजकुमार जी भी हैं इसमें, और भी हैं जो कम से कम सपोर्टिंग रोल में हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, ये फिल्म के जो है कैरेक्टर में आप क्या रोल निभा रहे हैं? देखिए आज जो सुफियान कपाड़िया, सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग। एक तो सुबह सुबह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है हमारे अजहर साहब के कहने पे, और ये हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद एक फिल्म जो रिलीज़ मतलब हम इसकी अनाउंसमेंट के लिए आए हैं, और ये जो फिल्म है ये जहानाबाद की हिस्ट्री के बारे में है, और जैसा कि सरफराज अहमद जी ने भी बहुत ही बखूबी से बताया, हालांकि इनकी पहली फिल्म है, थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बताने के लिए वो इतने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, बट ये जो हिस्ट्री है ये इनकी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है, और ये इन्हें बहुत फील कर पा रहे हैं, एंड आई नो के कितने इमोशंस इनके उभर रहे हैं, जिसके लिए कि इनको वर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमें यहाँ ज्वाइन करें अजहर हुसैन जी भी, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और ये उनकी मेहनत है कि आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और स्टार कास्ट की जहाँ तक बात है, सो अभी कास्टिंग बहुत सारी होनी बाकी है, बट अभी इन्होंने जस्ट मुझे अप्रोच किया है फॉर द लीड ऑफ दिस फिल्म हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद एज अ मेन लीड। सो जहाँ तक रही बात स्टोरी की, सो अभी हम काफ़ी सेशंस में बैठने वाले हैं। मैं चाहूँगा अजहर हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, और वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि हम आगे क्या प्लान कर रहे हैं, कहाँ शूट करेंगे, और कैसी स्टारकास्ट रहेगी, कैसी शूट रहेगी, और क्या ट्रीटमेंट्स रहेंगे, है ना? सो अजहर भाई प्लीज़ ज्वाइन। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले आपने कौन कौन सी फिल्म में काम किया है या सीरियल में? मैंने काफ़ी सारे म्यूजिक वीडियोस में काम किया है, काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है, एक वेब फिल्म जो अभी हाल ही में हमारी रिलीज़ हुई है जिसे डायरेक्ट किया है अजहर हुसैन साहब ने, मर्डर पार्टी,
सो दैट वॉज अ वेब फिल्म एंड उसके पहले हमने शॉर्ट फिल्म की थी, वो भी अज़हर साहब ने डायरेक्ट की थी, जिसका नाम था रिस्पेक्ट वुमेन। और उसके बाद हमने बिफोर यू और अल्ट्रा सिनेमास के कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ भी साथ में शूट किए हैं। उसके अलावा और कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ किए हैं, बट अज़हर साहब के साथ मेरी दोस्ती और हमारे काम करने का जो एक हिस्ट्री है वो बहुत ही लंबा चौड़ा रहा है। तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है 7 से 8 प्रोजेक्ट हम साथ में कर चुके हैं, और ये एक और ऐड हो जाएगा उसके अंदर। सो या बिकॉज सी, एक डायरेक्टर के लिए एक एक्टर और एक एक्टर के लिए एक डायरेक्टर, बहुत ही अहम बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, और माशाल्लाह वो बॉन्डिंग हमारे अंदर है। इतनी सुबह मुझे कॉल आता है कि भाई आपको आधे घंटे में यहाँ पहुँचना है, और अगर आर्टिस्ट यहाँ रेडी होकर बैठा है, मतलब समझ सकते हैं कि डायरेक्टर का होल्ड कितना है आर्टिस्ट के ऊपर। तो ये हमारी मोहब्बत है, हमारा प्यार है एक दूसरे के लिए, एंड यस डेफिनेटली अज़हर भाई हमारा भी बहुत ख्याल रखते हैं, सो वो फेवर रिटर्न करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बाकी देखिए, अभी जैसे कि मैंने कहा, ये अभी जस्ट मुझे एक बहुत ही छोटा सा ब्रीफ मिला है स्टोरी के बारे में। अभी तक के मैंने स्टोरी भी पूरी तरीके से सुनी नहीं है, नरेशन हुआ नहीं है, बट सिर्फ इतना है कि जैसे मैंने कहा, एक बॉन्ड, एक विश्वास के पास्ट में जो अज़हर साहब ने जो ट्रीटमेंट्स और जो चीज़ें निखार के लेके आई है, जो जो स्टोरीज़ हमने की हैं साथ में, सो उसके ऊपर जो उन्होंने जस्टिस किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और एक आर्टिस्ट का जब ट्रस्ट बैठ जाता है किसी डायरेक्टर के ऊपर, तो फिर वो स्टोरी का मोहताज नहीं रहता, वो जानता है कि वो डायरेक्टर अपना काम कैसे निकालेगा और वो आर्टिस्ट को कैसे लोगों के सामने दर्शाएगा, क्योंकि एक आर्टिस्ट सिर्फ और सिर्फ लोगों के प्यार का भूखा होता है। पैसे तो हम कहीं से भी कमा सकते हैं, बट जो लोगों का प्यार है ना, वो सिर्फ यहाँ मिलता है। तो हम बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं कि हम किसके साथ काम करेंगे और किसके साथ काम नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली अगर अज़हर भाई का आधी रात को भी कॉल आता है कि सर आपको सुबह एक न्यू फिल्म के प्रोजेक्ट के लिए मिलना है, तो मैं मना नहीं कर सकता, बिकॉज इन्होंने अपने काबिलियत को प्रूव किया है। डेफिनेटली 100% मैं हर अपने काम से छाप छोड़ना चाहता हूँ। इसके पहले का जो मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने आज तक के जितने भी प्रोजेक्ट किए सारे पॉजिटिव किए, किसी में मैंने नेगेटिव प्ले नहीं किया था। बट जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था उसमें मैंने नेगेटिव किरदार निभाया, जस्ट बिकॉज के उस जो शॉर्ट फिल्म थी उसके अंदर एक मैसेज जा रहा था लोगों को, जो कि लोगों को, समाज को एक नई दिशा या एक नई सोच देने पर मजबूर करता है। सो मैंने सोचा कि अगर मैं नेगेटिव किरदार करके भी अगर लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं उस रोल को मना नहीं कर सकता। आप नेगेटिव पसंद करते हैं या पॉजिटिव पसंद करते हैं? देखिए, इसका जवाब थोड़ी देर पहले ही मैं दे चुका हूँ कि मैं लोगों के दिलों में छाप छोड़ना पसंद करता हूँ, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे वो पॉजिटिव हो। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर किसी के दिलों में अगर एक स्माइल उसके चेहरे पे ला सकूं, क्योंकि आजकल का जो समय है, जो दौर है, वो वाकई एक ऐसा दौर है कि जहां हम छोटी छोटी परेशानियों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अगर हम पास्ट में जाएं 20, 25, 30 साल पहले, तो बड़ी बड़ी परेशानियां हमारे फादर फोर फादर बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसे, है ना, फाइट कर लेते थे। अंग्रेज़ों से लड़ाई हो या चाहे, है ना, बीवी का कूकर फेंकना हो, हर चीज़ को मैनेज कर लेते थे। आज छोटी सी छोटी बात अगर कोई तैश में बोल भी देता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। क्यों? बिकॉज हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है। सो अगर ऐसी स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर एक एक्टर या किसी भी माध्यम से एंटरटेन कर सकता है, अगर आपको खुश कर सकता है, चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, सो आई फील ब्लेस्ड, मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आके आपको एंटरटेन कर सकती है, आपके स्ट्रेस को कम कर सकती है और आपके अंदर एक ऐसा इमोशन पैदा कर सकती है जिससे कि आपको दुनिया में कुछ चेंज करने का या आगे बढ़ने का मौका मिले। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम रूपाली शर्मा है। आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए। अभी कैरेक्टर के बारे में मुझे भी उतना ब्रीफिंग में नहीं पता है, जैसे कि सुप्रियान सर बोले हैं कि अभी हम लोगों को बहुत शॉर्ट में ही पता है। बस ये पता है कि ये एक रियल स्टोरी है और ये एक लव स्टोरी है और इसमें बहुत से सस्पेंस हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ को करने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें जो है, आपने बताया कि बहुत सस्पेंस है, इसमें मेन लीड में हैं आप या साइड में? नहीं, मैं मेन लीड कर रही हूँ। वो भी सस्पेंस है। उसकी कैसी तैयारी हो रही है?
अभी तो मुझे तक कुछ क्लियर पता नहीं है, वो धीरे धीरे सर बताएंगे, हम उस पर काम करेंगे और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। जैसे लास्ट मैंने अभी किया है मर्डर पार्टी, उस पर भी मैंने लीड ही किया था, तो मैंने अपना बेस्ट दिया है, तो उसमें मैं और कोशिश करूँगी और बेहतर कुछ दे पाऊँ सबको। ये स्टोरी जब मेरे पास आई तो वो भी बहुत शॉर्ट में ही आई थी। वो डायरेक्टर ही हमारे ऐसे है कि उनको ना नहीं बोल सकते, उन पर इतना भरोसा है कि अगर उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बोला है तो सही है। और मैंने कुछ भी पूछा नहीं उनसे, मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ, मैं ये चीज़ के लिए रेडी हूँ। कितना आपने तैयारी कर रहे हो? रेडी तो वो कितना तैयारी कर रहे हो? अभी कर रही हूँ धीरे धीरे, बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जितना बेस्ट हो सके, बेस्ट कर सकती हूँ मैं उतना मैं देने की कोशिश कर रही हूँ पूरी। आपने इससे पहले जो आपने बताया कि कुछ वेब सीरीज में काम किया, तो सीरियल या और कुछ फिल्मों में? नहीं, मैंने अभी एक ही शॉर्ट फिल्म की है मर्डर पार्टी, वो भी डायरेक्ट हमारे अजहर सर किए हैं। तो अभी और मैं कोशिश कर रही हूँ और एक दो जगह बातें चल रही है मेरी, तो होगा, होप सो सब होता रहेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी चूज आपने कैसे की? ये तो मैंने स्टोरी डायरेक्टर साहब को मैंने दिया, अजहर हुसैन को, तो इन्होंने वो कास्ट किया कि इसमें मतलब एक्टर कौन रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। आइए जैसे कि हमारे कास्ट ने और प्रोड्यूसर ने बताया कि प्रोड्यूसर की ही कहानी है ये पूरी लिखी हुई, हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद, और ये कहीं ना कहीं इंस्पायर मेरे ख़ानदान से जुड़ी हुई है कि सन 1917 में हिंदुस्तान में एक पार्टी आई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी, और उस अंग्रेज़ों का आतंक इतना बढ़ चुका था तो उससे उन्होंने फाइट करते हुए 1919 में अमीरुद्दीन साहब की मतलब शहीद हुए थे वो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। तो कहानी की शुरुआत वहाँ से हम करते हैं और कहानी 2018 तक पे आके ख़त्म हो जाती है। ये कहानी मोड़ लेती है एक जंग से और एक जिहाद पे ख़त्म हो जाती है, लव जिहाद पे। तो सरफराज साहब ने इस कहानी को लिखने के बाद जब मुझे बताया कि कहानी लगभग मैं 10 साल से लिख रहा हूँ, तो मुझे भी ट्रस्ट हुआ इस कहानी को सुनने के बाद कि कहानी एक फिल्म के हिसाब से बहुत अच्छी लिखी गई है। और कहानी के अंदर में जो एक लोगों को, जनता को चाहिए होता है कि हम कहानी का मोड़ किस तरह से पब्लिक को दिखाए, जैसे कि एक जंग होती है और उसके साथ साथ एक परिवार है, परिवार जूझ रहा है उसके अंदर, साथ ही साथ एक लव स्टोरी का इन्वॉल्वमेंट होना, और इस कहानी को मतलब कि हर एक कैरेक्टर को मोड़ देता है कहानी, हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद। जहानाबाद जहां आरा जी से रिलेटेड है, जो कि उनका नाम जहां आरा के नाम पे जहानाबाद रखा गया था, बिहार का एक हिस्सा है वो। तो हम पूरी शूटिंग ये बिहार में ही करेंगे जहानाबाद में, और कुछ शूटिंग हम लोग दिल्ली में करेंगे गुड़गांव में, क्योंकि कहानी जहानाबाद और दिल्ली से रिलेटेड है पूरी कहानी। तो लगभग हम लोग 100 साल तक के हिस्ट्री पे पूरा काम कर रहे हैं इसके ऊपर हम लोग। सर आपने बताया कि इस फिल्म में जो है वो लव स्टोरी है, कुछ जो है वो भाईगिरी है, तो उसमें कुछ कॉमेडी भी है कुछ ऐसा? कॉमेडी से जुड़ी तो कहानी नहीं है ये, पर कहीं ना कहीं इंटरटेन करने का पूरा कोशिश करेंगे हम लोग जनता को, जिस तरह से कहानी के अंदर में लोगों के साथ में एक मूड आ जाता है कि भाई कुछ कॉमेडी हो गई या कुछ ऐसा फनी मोमेंट आ गया, तो वो हम लोग इंटरटेन करते हुए पूरी फिल्म को बनाएंगे हम लोग। पर पूरी कहानी एक रियल स्टोरी को दर्शाता है हमारी फिल्म के अंदर, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग जो एक रियल कहानी को लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को इंटरटेन करते हुए पूरी कहानी को बनाएं। जी जी बिल्कुल, ये लोगों को कनेक्ट करने के लिए, जनता को कनेक्ट करने के लिए कहानी में हमने एक ऐसा मोड़ लेकर आए कहानी के अंदर जो कि हर किसी को जोड़ के रखने के लिए हमने इसमें लव स्टोरी डाली है, जो कि कहीं ना कहीं हर इंसान से जुड़ी रहेगी, क्योंकि किसी के साथ वो ऐसा हुआ होगा कि प्यार हमेशा मुकम्मल नहीं होता, प्यार होता है ना, मुकम्मल नहीं होता प्यार कभी भी मोस्टली लोगों का, मुकम्मल जिसका मुकम्मल हो जाता है तो वो तो फिर बात ही कुछ और है। तो हमने कहानी लव स्टोरी को इंटरवल के बाद ज़्यादा वो दिया है, क्योंकि इस इंटरवल से पहले तक हमने मोस्टली एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड दिखाया है, मोस्टली हमने दिखाया है कि इसके अंदर में लोगों को किस किस तरह से सामना करना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक मतलब रियल परिवार की कहानी पूरी है, जिसमें मैंने कास्ट के तौर पर रमेश गोयल जी को अपने साथ रखा है,
जो कि बहुत ही अहम कैरेक्टर है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था रमेश गोयल जी के साथ में काम करने के लिए, बहुत साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, और मुझे ये मौका मिला कि हम लोग कास्टिंग पे जब डिस्कस कर रहे थे तो रमेश गोयल जी का नाम सबसे पहले आया मेरे ज़बान पे, सच्चाई में मतलब। उसके बाद फिर राजकुमार कनौजिया भाई बहुत सालों से हमारे दोस्त हैं, इनके साथ भी सोच रहा था, पर जब कहते ना कि जब चीज़ें सामने आती है करने के लिए तो सही राइट टाइम एकदम वही होता है। फिर तो राजकुमार कनौजिया भाई हमारे फिल्म के अंदर में एक वन ऑफ द सपोर्टिंग लीड कर रहे हैं हमारे साथ में, एंड इस कहानी के अंदर में जो हम जो लीड कैरेक्टर हमने कास्ट कर चुके हैं वो सुफियान कापाड़िया एंड रूपाली शर्मा वो है, और साथ ही साथ इसमें और भी कैरेक्टर जिससे हमारी बात अभी चल रही है, जैसे कि रजा मुराद साहब हैं, शक्ति कपूर जी हैं, राहुल रॉय हैं, अली खान जी हैं, तो काफ़ी सारे मार्केट के बड़े स्टार कास्ट को भी हम लोग कास्ट कर रहे हैं फिल्म के अंदर। बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे इस फिल्म को शुरू करने के लिए, ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है हमारी, तो ये हम लोग लगभग शुरू करेंगे अगस्त के बाद ही शुरू करने वाले हम लोग। सर आपसे जानना चाहेंगे इस फिल्म में आपका क्या कैरेक्टर? नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। कैरेक्टर से मेरा बड़ा पावरफुल है, मैं हीरो का बाप हूँ। जब मुझे कोई डायरेक्टर ये बोलता है कि आप हीरो के बाप हैं तो मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि हीरो का बाप है मिस खत्म, बाप है वो, अब इससे बड़ा रोल और क्या हो सकता है। तो मैं हीरो का बाप रोल कर रहा हूँ उसमें, हीरो का बाप हूँ, और बहुत स्ट्रांग रोल है और बहुत अच्छी तरह से मुझे पिक्चराइज किया जाएगा। डायरेक्टर अजय हुसैन सर मुझ पर मेहरबान हुए और मैं देखा जाए तो अच्छे रोल की ही तलाश में घूम रहा हूँ, क्योंकि काम करते करते मुझे सालों गुजर गई। अगर मेरे आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो मेरी गूगल और IMDb पर 180 फिल्म है, 180 फिल्म है मेरी, केवल अभी आप सर्च कीजिए गूगल पर और IMDb पर, उसमें 180 फिल्म है, इतना मुझे एक्सपीरियंस है। लेकिन काम करना और अच्छा रोल मिलना उसे निभाना, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो अभी मुझे मौका दे रहे हैं अजहर भाई, तो मैं उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से निभाऊंगा, और रोल बहुत पावरफुल है, स्टोरी में लिंक्ड है, और इसमें बड़े बड़े कलाकार शामिल होंगे, लेकिन हम दोनों फाइनल हैं, क्योंकि आज हम यहाँ पर हैं, जो आज यहाँ पर है वो तो फाइनल है। प्रोड्यूसर साहब ने जो बताया, सरफराज भाई ने, वो देख रहे हैं हमको, सामने खड़े हुए हैं हमारे, कि हम फाइनल हैं दोनों, डायरेक्टर फाइनल है। तो अभी क्या है, अर्ली स्टेज है, मेरा ख्याल से ये मुकम्मल जो है जुलाई तक हो जाएगा मामला पूरा, और सितंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा ये फिल्म सेट पर चली जाएगी। और टाइटल कितना बढ़िया है, हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद, क्योंकि इस तरह का माहौल बन गया है कि अब हिस्ट्री आजकल दिखाई जा रही है बड़ी बड़ी चीज़ों की, कभी कभी जो है वो क्या, जैसे आजकल नई नई फिल्में आ रही हैं, केरला फाइल्स, पुरानी फाइल्स, तो ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद है, तो जो जहानाबाद सिटी है बिहार में उसकी हिस्ट्री है, और वो 100 साल पुरानी है, 100 साल में जो भी कुछ हुआ होगा कहीं ना कहीं डायरेक्टर उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। और चूंकि मेरा जो रोल है, जिस तरह डायरेक्टर साहब ने मुझे बताया कि आप फिल्म के हाफ में इंटरवल के बाद में कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, उसके बाद में फिर शहीद हो जाते हैं उसके, अच्छा नहीं स्टोरी क्या है, स्टोरी बहुत लंबी चौड़ी सर, इतना बताने थोड़ी स्टोरी खुलेगी, उसके बाद में फिर न्यू जनरेशन आती है, उसमें ये राजकुमार कनौजिया जी हैं, मैं पहली हिस्ट्री में हूँ, ये सेकंड हिस्ट्री में है। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप कॉमेडी के बादशाह कहलाते हैं, हाँ फिलहाल बंदूक बंदूक लेके नजर आएंगे? नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये दर्शा दूँ कि HOJ हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद अपने आप में टाइटल बताता है कि ये इतिहास को खंगालता है। तो ऐसे बहुत कम निर्देशक होते हैं जिनके निर्देशन में इतिहास को भुनाया जाता है। तो और मुझे पूरा यकीन है अजहर साहब पर कि जितना उनको इल्म है उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर के वो इस फिल्म के माध्यम से हम सब तक पहुंचाएंगे। और इनकी पहले से विशेषता रही है कि ये बहुत दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत सहज है इनके काम को या इनके चरित्र को सब कुछ, लेकिन इसके पीछे सहजता इसलिए है क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ा अनुभव छिपा हुआ है, इसलिए वो सहज दिखता है। और यही होगा इस फिल्म के साथ, जब इतिहास लोगों को पता चलेगा हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद, दिखने में बड़े साधारण मालूम होगा क्योंकि 1916 से जर्नी स्टार्ट होगी और अब तक की 2000 तक जाएगी, तो सबको दिखने में बड़ा आसान होगा, लेकिन इसके पीछे जो इल्म है, जो अनुभव है, वो सब कुछ दिखेगा, लोगों के सामने जागरूक होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और भाई सरफराज खान जो कि प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं,
सरफराज अहमद, सरफराज अहमद साहब इसे लिख भी रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत कम प्रोड्यूसर पाए जाते हैं जो ऐसे सब्जेक्ट को छूते हैं। तो अपने आप में ये उनका बड़प्पन है जो एक ऐसे नए सब्जेक्ट को छुआ लेकर के आए और एक ऐसे डायरेक्टर के कंधे पर बंदूक दाग रहे हैं जो यकीनन बॉर्डर पार कर जाएगा और लोगों तक अपना बोली अपना तूती बोलेगा इसमें। तो बेसिकली रिश्तों में मेरे चाचा लगते हैं सरफराज अहमद, क्या बात है। और जब 18 साल पहले से फिल्म इंडस्ट्री में वही पहले थे, उनके माध्यम से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया और जब उन्हें लगा कि मैं उस काबिल अभी बन चुका हूँ एक डायरेक्टर के निर्देशक के रूप में, तब उन्होंने वो भरोसा करते हुए मुझे फिल्म को दिया कि अगर अपने ही खानदान की कहानी अपनी हिस्ट्री को अगर हम बना रहे हैं तो उसको क्यों ना तुम बनाओ, क्योंकि तुम बेहतर भी अपने खानदान के बारे में जानते हो। और इतिहास गवाह है अब तक की चाचा भतीजा ऑलवेज रॉक्स। चाचा भतीजा बहुत अच्छा माहौल है और बहुत जल्दी फिल्म बनेगी, जल्दी रिलीज होगी, बहुत मजा आएगा काम करने में। सबसे बड़ी बात, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल के साथ पहली बार काम करने जा रहा हूँ। सर लोग हिस्ट्री को जब भी लोग दिखाते हैं फिल्मों के जरिए तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसमें वो फिक्शन कर देते हैं, ड्रामा डाल देते हैं, कुछ ऐसी कहानियों को लोगों को गुमराह करते डालकर जिससे लोग बहक जाते हैं, भटक जाते हैं अपने चीज़ों से। पर हमारी कहानी में सिर्फ सच और सिर्फ सच है बस, और कुछ नहीं इसके अलावा। जो भी है मतलब जो भी हुआ है जहानाबाद में वो सब कुछ दिखाया जाएगा। एग्जैक्ट एग्जैक्ट एग्जैक्ट। कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर है बहुत। हाँ देखो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब इन्होंने बोली दिया है तो शायद ऐसी कुछ हुआ, क्यों बाप है भाई, बाप के सामने बच्ची क्या रहेगी, सही बात, दिसाती नहीं है कुछ। दूसरी बात, भाई सुफियान कापाड़िया जो कि हमारे लीड कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि चाहे जो कुछ भी हो, नेगेटिव रोल हो या पॉजिटिव रोल हो, कॉमेडी रोल है, छाप छोड़नी है। छाप छोड़। तो बस मैं भी छाप तिलक छोड़ने आया हूँ। इस फिल्म में हर आदमी अपनी छाप छोड़ के जाएगा, इतना हमको विश्वास है। आप तो एल्बम काफी बना चुके हैं और बनाते ही हैं, तो नेक्स्ट कुछ आ रहा है आपका? एल्बम से पहले मैं फिल्में बनाता था, तो मैंने 3 फीचर फिल्म डायरेक्ट की है अभी तक, जो कि तीनों फीचर में अभी रिलीज नहीं है। पर उसके अलावा मैंने 7 शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई है जो कि ऑलरेडी मेरी IMAX प्लेयर पे और शमैरो पे चल रही है। 30 से 40 म्यूजिक वीडियो बना चुका हूँ एज अ डायरेक्टर। तो उसके साथ साथ अभी लास्ट मैंने प्लान किया था कि अब थोड़ा सा म्यूजिक वीडियोस शूट करना, मेकिंग करना थोड़ा सा कम करके फिल्मों की तरफ वापस रुक करता हूँ। तो पहला रुक करते ही मैंने एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई 15 मिनट की, जिसका नाम है मर्डर पार्टी। लास्ट टाइम अभी उसका स्क्रीनिंग वगैरह हो गया, वो भी आपने सबने देखा ही था। तो वो फिल्म भी बड़े OTT पे रिलीज होने जा रहा है। तो उसके साथ साथ ही मुझे मेरे और भी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, कुछ और फीचर फिल्म पे काम चल रहा है, कुछ वेब सीरीज पे काम चल रहा है। पर प्लस ये काम, ये जो फिल्म है हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद, ये इन मेरे साथ जो काम चल रहा था उसके बीच में अचानक से ये फिल्म आ गई, तो मुझे लगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसी को देता हूँ क्योंकि बहुत जल्दी में ये फिल्म अभी बनने वाली है। नहीं नहीं, आप इसको जल्दी बनाइए सर, और हम सब लोगों का करियर है इसमें। और हमारे साथ इस पूरी फिल्म के माध्यम से जो जुड़े हैं टेक्नीशियंस में, अगर बात करूँ तो मेरे जो रेगुलर काम करने वाले जो DOP हैं कुंदन रोशन, वो इस फिल्म के DOP रहेंगे। और दूसरा मेरे बहुत अजीज दोस्त जो कि हम लोग काफ़ी साल से काम करना चाह रहे थे, शाबू भाई फाइट मास्टर, वो भी हमारे इस फिल्म के हिस्से हैं। और मेरे दोनों राइट एंड लेफ्ट मेरे एसोसिएट डायरेक्टर हसन पठान और मोहित गुप्ता मेरी फिल्म के अंदर मेरे साथ हैं। और म्यूज़िक का काम मैंने इसमें 2 म्यूज़िक डायरेक्टर को चॉइस किया है देने के लिए, जैसे कि दिलीप सेन जी और याशिन दरबार, दोनों ही जबरदस्त हैं। दोनों दरबार इस्माइल दरबार के बड़े भाई, तो उनके साथ मैं म्यूजिक बना रहा हूँ अभी इस फिल्म का। और फाइट मास्टर शाबू भाई और कुंदन रोशन जी को DOP रखा है मेरे, और मैं चाहूँगा कि उनसे भी एक बार हम बात करें इस फिल्म के बारे में कि वो क्या सोचते हैं। यस सर, थैंक यू वेरी मच। शाबू भाई फाइट मास्टर, हमारे फिल्म के फाइट मास्टर, क्योंकि एक्शन फिल्म के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इसके साथ साथ हमने सोचा कि फाइट मास्टर साहब को भी बुला लिया जाए इंटरव्यू पे हमारे मोरल। और साथ में हमारे हसन पठान है एसोसिएट डायरेक्टर, एंड वन ऑफ द कैरेक्टर इस फिल्म के अंदर, वन ऑफ द कैरेक्टर है जो कि नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, वो सौरभ कर रहे हैं हमारे साथ में। सौरभ को मैंने बहुत टाइम से वादा किया था कि हम एक फिल्म साथ में करेंगे, तो ये फिल्म आज ये फिल्म जहानाबाद सौरभ के लिए भी है। सौरभ जी बताइए इसमें किस तरह का कैरेक्टर आपके बारे में? तो जैसे अजहर भाई ने अभी बताया कि कुछ नेगेटिव भूमिका इसमें मैं निभा रहा हूँ, तो उसका ब्रीफ अभी मुझे भी मिलेगा कि मैं क्या निभा रहा हूँ। तो कुछ नेगेटिव है मेरे लिए जो अजहर भाई ने सोचा है,
लेकिन मैं उसको नेगेटिव नहीं सोचा, मैंने पॉजिटिव सोचा, मतलब एक नकारात्मक भूमिका है उसमें, कोई नेगेटिव कैरेक्टर है तो वो मेरे लिए अज़र भाई ने देखा है, तो बखूबी उन्होंने जो विश्वास मुझ पर दिखाया है तो मैं उस पर खरा उतरूँगा। तो बहुत टाइम से जुड़े थे और अज़र भाई का इतना नाम सुना था तो बहुत मन से था कि उनके साथ काम करूँ मैं बहुत जल्द, तो ये बहुत जल्द उन्होंने मुझे मौका दिया है और इस मौके पे खरा उतरूँगा मैं जल्द। इससे पहले आपने क्या क्या नेगेटिव किया है? इससे पहले मैंने कलर्स का एक शो किया है फना तेरेश में मर जावा, जिसमें मैंने मेन लीड विलन में नेगेटिव किया है प्रताप ठाकुर के नाम से, और एक मूवी अभी आ रही है M75 आयुष शर्मा जो उसमें लीड हैं, तो वहाँ मैंने एक नेगेटिव किरदार किया है। और अभी सोनू सूद सर के साथ एक फतेह मूवी आ रही है जिसमें खुद उन्होंने मुझे कास्ट किया था, तो उनके साथ ये मेरा काम आ रहा है। और एक अभी नवाज़ भाई के साथ टिकोविट शेरू के साथ मैं उसमें दिखूंगा। उन्होंने रियल लाइफ में कभी नेगेटिव किया? नहीं, रियल लाइफ में नेगेटिव नहीं, नेगेटिव में हुई नहीं, मतलब किरदार मुझे ऐसे मिल रहे हैं वो सामने वाले को जो दिखता है, तो जैसे सूफियान भाई ने बताया कि लोगों के दिलों में छाप जानी चाहिए, मतलब वो किरदार उनके जहन में रह जाए, वही हमारी सोच है, वही हमारा काम है आगे। सर आपसे जानना चाहेंगे फिल्म में फाइटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, आप किस तरह की फाइटिंग के लिए? सर जो इसका डिमांड है पिक्चर का, कि रियल स्टोरी पिक्चर है ना, उसका जो डिमांड है उस हिसाब से अपन एक्शन करेंगे। क्या उसमें डिमांड करते हैं, तलवार है, क्या है, गन है, तो स्टोरी के हिसाब से अपन एक्शन करेंगे इसका, और बहुत बेहतरीन करेंगे, मालिक करे। हमारा भाई अजहर भाई ने हमको फर्स्ट टाइम भाई के साथ हम काम करना चाहता है, तो बहुत बेहतरीन करेंगे। और 40 साल से हम एक्शन कर रहे हैं इस फिल्म लाइन में, इतिहास, दिलजले, हकीकत, जान, लाल बादशाह, मृत्युदाता, सब पिक्चर हमने किया है साथ में। बाकी इंडिया के हर मूवी किया है, इंडिया के तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, मराठी, गुजराती, सब किया है। बाकी ये पिक्चर में कुछ एक इतिहास टाइप का पिक्चर है, तो इसमें और अच्छा बेहतरीन करेंगे, नेचुरल एक्शन होगा उसमें, नेक्स्ट लेवल। तो अपने फाइटिंग की बात की तो वो ऐसी फिल्म जो जिसमें फाइटिंग आपकी ज़्यादा लोगों ने आपकी तारीफ की? सर कहीं पिक्चरें किया हमने, समझ लीजिए इतिहास किया, दिलजले किया, लाल बादशाह किया, बड़े दिल वाले किया सुनील शेट्टी का, सारे पिक्चर किया। अभी अटल फैसला किया मैंने, और साहिल अख्तर बोल के हीरो है, तो उसमें मेरा एक्शन का बहुत लोगों ने तारीफ किया। तो इसमें कुछ अलग देखने को मिले? अलग ही है सर, स्टोरी के हिसाब से एक्शन होगा, ये नेचुरल एक्शन होगा, जितना मतलब जैसा जो डिमांड कर रहा है स्टोरी, इतिहास का पिक्चर है ना, तो उसी हिसाब से काम होगा। अंग्रेज है इसमें और अपना जो अपना इंडिया का सारे सिस्टम है उसी हिसाब से काम होगा, नेचुरल एक्शन। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम बताइए? मेरा नाम हसन पठान है और मैं इस फिल्म में एज एन एसोसिएट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। इनके साथ पहले भी मैंने सर के साथ काम किया, अजहर सर के साथ। और शिवम माधव आओ। शिवम सर, मेरा नाम वरुण है और पहली बार तो मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि मेरा पहली बार फर्स्ट फिल्म है और फिल्म में एज ए सपोर्टिंग कैरेक्टर ही है मेरा। जी, मेरा नाम है शिवम वर्मा और मैंने काफ़ी सारे सीरियल किए हैं और सीरीज़ भी किए हैं। मूवी ये मेरी फर्स्ट है जिसमें कि हमारे डायरेक्टर अजहर सर ने बताया है कि एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। फिल्म का नाम है होज और वैसे भी मुझे हिस्टोरिकल फिल्में बहुत ही अच्छी लगती हैं और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मैं काम करूँ, और जैसा भी कैरेक्टर रहेगा मैं पूरे दिल से करूँगा। पोस्टर लेकर चलेगा।